अब देखते हैं हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न के संग्रह में हमारे पास में एक क्वेश्चन मिलेगा, इसके चार ऑप्शन मिलेंगे। चार ऑप्शन में हमें ये देखना है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। एक करेक्ट आंसर यहाँ पर मिलने वाला है और उसी को हमें सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन आप प्रॉपर तरीके से एक बार उसको पूरा शुरू से अंत तक देख लीजिएगा, उसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं आप, और सॉल्यूशन के बाद में फिर से इसी वीडियो को और एक बार देखेंगे, और आप हमारा आंसर आने से पहले अपना आंसर यहाँ पर देखेंगे कि जो हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कितने करेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं, और सेल्फ एनालिसिस यहाँ पर इस बेस पर किया जा सकता है। तो क्वेश्चन है हमारा पास, फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए इज इक्वल टू 1 2 3, देखना ए इज इक्वल टू क्या है, 1 2 3 है, 1 2 और ये 3 है, और बी इज इक्वल टू क्या है, बी इज इक्वल टू 2 3 और 4 है, देखना बी इज इक्वल टू 2 3 और 4 है, इस प्रकार से यहां पर दिया हुआ, ये है और ये क्या है, बी है, और यूनिवर्सल सेट जो है उसमें क्या दिया हुआ है, जो यू बना हुआ है, देखना इसमें टाइम जरूर लग रहा, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या यहां पर बोलना चाह रहा क्वेश्चन में। अगर एक प्रॉपर तरीके से समझ लिया तो इसके जैसे कई क्वेश्चन हम बना सकते हैं, ठीक है। U इज इक्वल टू कितना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, और ये क्या बन गया, पूरा U बन गया, और U को स्क्वायर से इस प्रकार से रेक्टेंगुलर बॉक्स में या स्क्वायर बॉक्स में इस प्रकार से दर्शाया जाता है, ये बन गया। अब क्या बोला है, ये का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़कर बाकी के सारे एलिमेंट, देखना ए को छोड़कर, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब अभी क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, 4 5 6 इतनी बात हो रही है। बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़कर, तो कौन है, 1 5 और 6, तो दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो कौन दिखेगा इसमें, 5 और 6 दिखाई देगा, बात समझ में आई, फिर से देखना, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको छोड़कर कौन आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट बराबर से कितना आ गया, ये यहां पर ऐसा समझ सकते हम, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब 4 5 और 6, ठीक है, इंटरसेक्शन। फिर उसके बाद में बोला है बी का कॉम्प्लीमेंट, बी को छोड़कर बाकी के, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 5 और 6, दोनों सेट में ऐसे कौन से एलिमेंट्स है जो दोनों में है, ठीक है, ये इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसे एलिमेंट जो इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे अवयव 5 और 6 इसमें भी है और 5 और 6 इसमें भी है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। अगर यहां पर यूनियन होता, देखिए और एक क्वेश्चन बन गया, यहां अगर यूनियन होता तो क्या होता, ऐसे एलिमेंट जो या तो इसमें है या तो फिर इसमें, इसका मतलब 1 4 5 और 6, मतलब इसके भी सारे एलिमेंट्स आ जाना चाहिए और इसके भी सारे एलिमेंट्स आना चाहिए, तो 4 5 6 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, 5 6 तो पहले ही बोल दिया हमने, इसलिए ऐसे यहां पर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, n अवयव वाले समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या होती है, n अवयव वाले, अगर मान लिया जाए किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या n है तो उसमें कितने उप समुच्चय होंगे, तो हमें मालूम है कि उप समुच्चय की संख्या 2^n होती है। अभी यहां पर अगर मान लिया जाए कि हमारे पास में समुच्चय कौन है, 4 5 और 6 है, ठीक है, कितने अवयव है इसमें, 3 अवयव है, तो इसके उप समुच्चय कितने हो जाएंगे, 2^3, मतलब 8 उप समुच्चय हो जाएगा, और कौन से होंगे, तो देखना एक तो 5 हो जाएगा रिक्त, ठीक है, कुछ नहीं उसमें, दूसरा हो जाएगा एक एक को ले लो 4 फिर 5 और फिर 6, तो कितने हो गए, 4 हो गए, उसके बाद में 2 2 को ले लो 4 5 फिर 5 6 और फिर 4 6, तो कितने हो गए, 3 हो गए, कितने, 3 और 1 4 और 4 और 3 7, और एक पूरा समुच्चय ले लो तो कितने हो गए, 8 हो गए, तो इस प्रकार से अगर n रहेगा तो 2^n, ठीक है, ये फार्मूला होता है। नेक्स्ट, समुच्चय परिभाषित है, समुच्चय की परिभाषा क्या होती है, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह या समूह क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। पहली बात तो क्या होना चाहिए, वो सुपरिभाषित होना चाहिए, और सुपरिभाषित होने के बाद में उससे जो हमें अवयव प्राप्त होते हैं उसका जो संग्रह रहेगा उसको क्या कहा जाता है, समुच्चय कहा जाता है, ये हमें मालूम है। वस्तुओं का संग्रह, हाँ वस्तुओं का संग्रह तो होता है, लेकिन वो सुपरिभाषित होना चाहिए, मतलब पहला आंसर सही नहीं है। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कुछ भी नहीं कह सकते, नहीं कहना तो है, इसकी परिभाषा बनती है, इनमें से कोई नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। नेक्स्ट, यदि ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 2 3 4 हो तो ए माइनस बी होगा, ए माइनस बी का मतलब क्या है,
ए के ऐसे अवयव जो बी में भी है उसको हटा दो तो ए माइनस बी मिल जाएगा, ठीक है। तो ए में ऐसे 1 2 3 है और बी में 2 3 और 4 है, तो 2 और 3 बी में भी है और ए में भी है, तो ए से हटा दो तो बचा क्या, 1 बचा, तो 1 क्या होगा इसका आंसर होगा। फिर से अगर मैं बोलूं कि 1 2 और 3 एक हमारे पास में समुच्चय है और माइनस अगर मैंने लिखा 2 3 और 4 ऐसे अवयव जो इसमें है और इसमें भी है, ऐसा नहीं बोलेंगे हम, देखना ऐसे अवयव जो इसमें है और वो अवयव इसमें भी है तो उसको हटा दो। देखना 2 इसमें भी है तो 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, अब 1 इसमें नहीं है इसलिए उसको नहीं हटाएंगे, जो बचा वो क्या होगा ए माइनस बी होगा, क्लियर। अब यहां पर बोलेंगे कि 4 को क्यों नहीं काटा सर, तो 4 इसमें होता तो काटते ना, मतलब इसमें से आपको हटाना है ऐसा, तो क्या हो जाएगा यहां पर करेक्ट आंसर 1 होगा, मतलब ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a इज इक्वल टू इतना तथा b इज इक्वल टू इतना तब a यूनियन b होगा, a यूनियन b, a और b के सारे अवयव को मिला दिया जाए तो a यूनियन b हो जाता है, इसका मतलब 0 1 2 दूसरे में भी 2 है तो 2 बार नहीं लिखा जाता इसको, मतलब किसी भी अवयव को 2 बार नहीं लिखा जाता है, तो दोनों के अवयव को मिला दो तो क्या हो गया 1 0 1 2 3 और 4, तो करेक्ट आंसर क्या दिखाई दे रहा है यहां पर, हमें सी दिखाई दे रहा 0 1 2 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं कितने विधियों द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो हमने एक विधि द्वारा, दो विधियों द्वारा, बहुत सी विधियों द्वारा, इनमें से कोई नहीं, कितनी विधियों द्वारा प्रदर्शित करते हैं, दो विधियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, एक तो क्या होता है टेबुलर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, तो या तो हम बोल सकते हैं समुच्चय निर्माण विधि और सारणीबद्ध विधि, तो ये इस प्रकार से दो तरीके से हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, तो करेक्ट आंसर कितना होगा बी होगा। अच्छा एक वेन डायग्राम भी तो है ना, तो ये ग्राफिकली विधि है ना, ये मेथड ही अलग है, ये ग्राफिकली विधि है, मेन जो समुच्चय ये समुच्चय के रूप में नहीं दिखा रहे हम, वेन डायग्राम के रूप में दिखा रहे हैं, ठीक है, तो समुच्चय के फॉर्म में दिखाई दे रहा क्या, समुच्चय के फॉर्म का मतलब यह है कि जहां पर ये वाला ब्रैकेट यूज किया जाएगा, ठीक है, सर्पाकार कोष्ठक यहां पर यूज किया जाएगा वहां पर उसको बोलेंगे हम समुच्चय की कितनी विधि, या तो ऐसे में हम या तो सारणी विधि द्वारा दर्शा सकते हैं उसको, या दूसरा किसके द्वारा समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और बी दो समुच्चय है तब ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का भी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम बनाने की कोशिश करते, देखना इसको ऐसे क्वेश्चनों को, ठीक है, आपको जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, जो नियम रूल्स पढ़े थे और कुछ थ्योरम से भी पढ़ी थी जब चैप्टर पढ़ा था हमने, वहां पर हमने ये डिस्कशन किया था कि वेन डायग्राम से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना बिल्कुल आसान होता है, ठीक है, देखते हैं हम वेन डायग्राम से कैसे इसको बता सकते हैं। हमारे पास में एक समुच्चय है ये, दूसरा समुच्चय है बी और एक है यूनियन, ठीक है, ऐसा आप समझेंगे फटाफट इसका आंसर मिलने वाला है, ठीक है, डायग्राम वगैरह बनाने की जरूरत नहीं रहती है, तो एमसीक्यू है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह है, तो यहाँ डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करने के लिए यहाँ पर हम डायग्राम की हेल्प ले रहे हैं ताकि पूरी बात जो है वो स्पष्ट दिखे कि यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा और हमें क्या बताना है। देखना ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया, ये पूरा हो गया, ए के भी सारे अवयव और बी के भी सारे अवयव, क्लियर, ए यूनियन बी की बात की है, और अब उसका पूरे का कोष्टक के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, पूरक लगा हुआ है, ए यूनियन बी मैंने जो ग्राफ बनाया ये है, इसका पूरक लगा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसको छोड़कर, इतने को छोड़कर बाकी के सारे, बाकी के सारे कौन से हुए, जहां से व्हाइट दिखाई दे रहा ना, यहां पर जो भी अवयव रहेगा उसकी बात की जा रही है, ठीक। अब ये हो गया, इसको छोड़कर ये इसकी बात की जा रही है, अब यहां पर क्या बोला है, ये इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन, अब ये इसका मतलब क्या होगा, देखना ये का मतलब क्या हो गया, ये मैं खाली कर रहा हूं, उल्टा उल्टा समझ रहे हैं हम इसको, देखिए ये यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, ये वाला बाहर का व्हाइट भाग, ठीक है, ये वाला भाग,
और ये का मतलब क्या हुआ, जो अभी मैंने खाली किया ये वाला, ये इतना भाग, ठीक है। अब ये जो बाहर वाला खाली भाग है इसमें, और ये जो ये का खाली भाग है इसमें, कोई उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा क्या? कोई भी उभयनिष्ठ नहीं दिखाई दे रहा। देखना, ये जो बाहर वाला खाली भाग है, ये वाला जिसमें मैं अभी डॉट कर रहा हूं इसमें, और ये वाला जो भाग है ये व्हाइट वाला, इसमें कोई उभयनिष्ठ अवयव दिखाई दे रहा क्या? कोई भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं है। जब इसमें उभयनिष्ठ अवयव नहीं है तो क्या हो जाएगी, इसके अवयवों की संख्या 5 होगी। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए इज इक्वल टू ए और बी है, देखना यहां पर ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ, ए, और दूसरा अवयव है बी। बी अवयव नहीं है, ये पूरा का पूरा समुच्चय सहित ये अवयव है, ये याद रखना। यहां पर कई बच्चे ये समझते हैं कि यहां पर अवयव जो है वो ए और बी है। हाँ ये है, ये तो बात सही है, ए के ये समुच्चय के एक अवयव ये है, और बी जो है ये भी एक अवयव है, जो कि गलत बात है। जबकि ये सेट में लिखा हुआ है ना, सर्पाकार कोष्टक में लिखा हुआ है, तो ये पूरा एक अवयव होगा, ये ए वाला इतना एक अवयव होगा। तो अवयव को कितने हैं हमारे पास में, केवल दो है, एक पहला अवयव ये है, दूसरा अवयव ये है, क्लियर। तो एन पी ए होगा, कितने हो गए हमें मालूम है, नंबर ऑफ पावर सेट बोला जाता है इसको, पावर समुच्चय है ना। तो क्या हो जाएगा, 2^n होता है ये भी, 2^n, जितने भी अवयव रहेंगे उतने बनेंगे उप समुच्चय जो होते हैं, उप समुच्चयों का जो समुच्चय बनता है उसी को पावर सेट बोला जाता है। तो कितने बनेंगे, यहाँ दो अवयव है ना, तो 2^2 मतलब 4 बनेंगे नंबर ऑफ, ठीक है। कितने बनेंगे, तो 4 बनेंगे। नेक्स्ट, यदि समुच्चय ए के एन अवयव है तब समुच्चय ए के उप समुच्चयों की संख्या होगी, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पर। और ये फार्मूला क्या होता है, 2^n होता है। देखना, क्वेश्चन भले आपको एक जैसे दिख रहा है लेकिन एक जैसे नहीं है। यहाँ पर क्या बोला है, इससे पहले बोला था पावर सेट की बात की थी, और यहाँ पर क्या बोला है, अवयवों की संख्या की बात की है, समुच्चय के अवयवों की संख्या, ठीक है, नहीं अवयवों की संख्या है तो इसके उप समुच्चयों की संख्या की बात की है। नेक्स्ट, रिक्त समुच्चय की परिभाषा होती है, रिक्त नाम से तो क्लियर है ना, रिक्त होना चाहिए, खाली होना चाहिए, ठीक है, उसमें कोई भी अवयव नहीं होना चाहिए, रिक्त नाम से क्लियर है, कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। समुच्चय जिसमें बहुत कम संख्या में अवयव होते हैं, तो बहुत कम संख्या में हो गए तो रिक्त कहां से हुआ, खाली हुआ क्या? तो मान लिया जाए कि हमारे पास में ये बाटल है, और हम अगर बोले कि ये पूरी खाली है, तो खाली है का मतलब क्या, थोड़ा सा पानी होगा क्या इसमें? नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा ना। तो कुछ थोड़े बहुत अवयव हो तो ये बात गलत है। समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या सम है, ये भी गलत बात है, कोई भी संख्या नहीं होगी। अवयव समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या विषम है, विषम और सम से कोई लेना देना नहीं है। समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं है उसको क्या बोलेंगे, रिक्त समुच्चय बोलेंगे। एक भी अवयव नहीं हुआ, और उसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है, एक ऑब्जेक्टिव यहां पर बन गया, फाई से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, फाई मतलब रिक्त समुच्चय। नेक्स्ट, यदि ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 और बी इज इक्वल टू 2, 3, 4 और सी इज इक्वल टू इतना है, तो ए माइनस बी माइनस सी होगा, क्या होगा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। ए माइनस बी माइनस सी, इसका मतलब क्या है, पहले इस ब्रैकेट को हल कर लेते हैं हम। देखिए, बी में से सी को माइनस करना है, मतलब बी में से आप ऐसे अवयव को हटा दीजिए जो सी में आए हुए है। देखना, बी में कौन है, 2, 3 और 4 है, और सी में कौन है, 3, 4, 5 और 6 है। तो 2 मतलब 3 और 4 ऐसे अवयव है बी में जो सी में भी है, तो बी में से 3 और 4 को तो हटा ही दो, क्यों, क्योंकि वो सी में आ चुकी है, ठीक है। अब बी में कौन बचा, 2 बचा, बी में कौन बचा, यहां पर इतने में क्या बचा, 2 बचा। अब ये जो सेट है, समुच्चय है, उसमें से 2 को भी हटा दो, तो फिर क्या बचेगा, 1 और 3 बचेगा। तो करेक्ट आंसर कहां दिखाई दे रहा हमें, सी में दिखाई दे रहा, 1, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है ये बताना है हमें। ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये नहीं होता है। ए माइनस बी डेस इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये भी नहीं होता है।
फार्मूला मालूम होना चाहिए, ये एक प्रॉपर्टी भी है, हमने प्रॉपर्टी इसकी पढ़ी थी, और ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए माइनस बी होता है, ये सही बात है। ठीक है, एक आध अब जो सही वाला है उसी को हम वेन डायग्राम द्वारा समझ सकते कि कैसे सही होगा, दोनों की मीनिंग एक ही है। ठीक है, ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट बोलिए, चाहे ए सॉरी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बोलिए, चाहे ए माइनस बी बोलिए। देखिए ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और ए माइनस बी, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है या नहीं, ए माइनस बी दोनों का मतलब एक ही है या नहीं है, ये देखते हम। यहाँ पर देखेंगे तो ए और ए कौन हो गया, बी हो गया, ठीक है, और ये यूनिवर्सल हो गया। ये बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, बी को छोड़कर बाकी का सारा, इतने को छोड़कर, इतने को छोड़कर बाकी का सारा, ठीक है, और ए का मतलब क्या हो गया, ए का मतलब ये वाला हो गया, ये वाला, ठीक है। अच्छा, बी को छोड़कर सारा और ये वाला, ठीक है, इसको सारे में और इसमें क्या आ गया, केवल जो कॉमन है वो कौन सा है, ये वाला पार्ट है, इतना पार्ट है कि नहीं, इतना पार्ट उभयनिष्ठ। देखना फिर से, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, इतने को छोड़कर सारा, ये वाला भी, ये वाला भी सारा, ये भी और ये वाला भी, ये यहां से, यहां से इतना ये वाला भी रहेगा और ये व्हाइट वाला भी रहेगा, ठीक है, और ये का मतलब क्या हो गया, ये पूरा है। तो पहले जो बोल मैंने बोला था कि ये इतना और ये बाहर का, इसमें कॉमन कौन है, तो इतना है, ये डॉट है, और ये माइनस बी का मतलब क्या है, ए में से बी को माइनस कर देना है, मतलब ये जो उभयनिष्ठ है उसको हटा देना है, तो कौन सा आएगा आपके पास, यही वाला तो आएगा, तो दोनों की मीनिंग क्या है, एक ही है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है ना, ये बातें छोटी छोटी है लेकिन आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर इसके द्वारा ये ऐसा क्लियर होना चाहिए। वेन डायग्राम अगर आपने प्रॉपर तरीके से समझ लिया तो ये मान के चलिए कि समुच्चय का अगर आपका दूसरा पोर्शन थोड़ा सा अगर कुछ वीक भी है तो आप वेन डायग्राम से ही बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। ठीक है ना, तो वेन डायग्राम हमने जब चैप्टर पढ़ा था वहां पर पूरा डिटेल में पढ़ा था और वो सारी बातें आपको मालूम होना चाहिए, और नहीं भी तो फिर भी हम यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं समझने की जितना ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होगा। देखना ये क्या बोला है, नंबर ऑफ ए माइनस बी, ठीक है, ये है और ये कौन है, बी है, ए और ये क्या है, बी है। ए माइनस बी का मतलब क्या हो गया, ये वाला हो गया, हुआ ना, ए माइनस बी का मतलब, और ये इंटरसेक्शन बी, ये है और ये बी है, दोनों का उभयनिष्ठ भाग कौन सा, ये बीच वाला, इसका मतलब ये वाला भी हो जाएगा, ये वाला भाग भी आ जाएगा, ठीक है, ये इंटरसेक्शन बी के कारण। तो दोनों को, दोनों का मतलब क्या होगा, तो ये क्या है, किसके बराबर है, ये के बराबर हो गया, ये को ही तो पूरा किया ना हमने अभी यहाँ पर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, मतलब नंबर ऑफ ए के सारे अवयवों की संख्या। ठीक है, एन बी नहीं होगा, फाइव मतलब खाली, ए भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर एन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय है तो ए सबसेट बी या ए उप समुच्चय है बी होगा, यदि ए उप समुच्चय बी का कब उप समुच्चय होगा, यदि ए तथा बी में कोई भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं है, ए और बी में कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है तब होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, उभयनिष्ठ अवयव क्या होना चाहिए, होना चाहिए उसमें, तब तो उप समुच्चय होगा। ए तथा बी के समान अवयव उभयनिष्ठ होते हैं, ये भी गलत बात है, ए के सभी अवयव बी में होते हैं। याद रहे कि ये उप समुच्चय बी तभी होगा जब ए के सारे अवयव काय में होना चाहिए, बी में होना चाहिए। ठीक है, और बी और इसी का अगर मैं उल्टा लिखूं ऐसा तो इसका मतलब क्या होगा कि बी के सारे अवयव ए में होना चाहिए तभी होगा, तो करेक्ट आंसर सी होगा, ए के सभी अवयव बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी के अवयव क्रमशः 3 और 6 है तब ए यूनियन बी के न्यूनतम अवयवों की संख्या होगी, क्या ए और बी के अवयव, ए में कितने अवयव है, 3 है, और बी में कितने अवयव है, 6 अवयव है, तो ए यूनियन बी में कितने अवयव हो गए, न्यूनतम कम से कम 3 हो गए, 6 हो गए, 5 हो गए या 10 हो गए। देखिए अभी यहां पर देखते हम,
ए में कितने अवयव है, ए में कितने अवयव है, तीन है, हो सकता कि यहां तीन है, और बी में कितने हैं, छह अवयव है। अगर दोनों, अगर ऐसा है दोनों के कोई भी अवयव अगर उभयनिष्ठ नहीं है तो क्या होगा, टोटल कुल अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, नौ हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, ये यूनियन भी तो नौ होगी। अगर मान लिया जाए कि एक आधा अवयव यहां है तो यहां पर कितने हो गए, आप दो हो गए, क्यों, क्योंकि दोनों मिला के कितने हो गए, तीन हो गए ना, तो यहां पर एक है तो यहां पर कितना होगा, पांच हो गए। अब अवयवों की संख्या कितनी होगी, पांच और एक छह सात आठ, अब आठ होगी। अगर मान लिया जाए कि उभयनिष्ठ अवयव दो है और तो यहां पर कितना होगा, एक होगा, और यहां पर कितना होगा, चार होगा, तो चार दो छह और एक सात, अब दोनों को मिला दिया तो कितने अवयव हो गए, सात हो गए। तो कम से कम कितने हो गए, तो कम से कम न्यूनतम अवयव की संख्या कितनी होगी, छह होगी। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक सच देट एक से इज बिलोंग्स टू एन और एन एक से इज ग्रेटर देन फाइव तथा बी इज इक्वल टू एक सच देट एक से इज बिलोंग्स टू एन एंड एक से इज लेस देन आर इक्वल टू सिक्स, तब ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा, क्या होगा, हल करेंगे। देखिए इसके आंसर तो तुरंत देखते से ही हम निकाल सकते, लेकिन यहां पर भले थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन कॉन्सेप्ट को क्लियर करते ही आए, ठीक है ना। यहां पर अभी कोई कंपटीशन नहीं हो रहा कि सर ये तो हमने तुरंत आंसर निकाल दिया, लेकिन फिर भी एक बार समझते, अगर आपको समझ में आ गया तो कोई बात नहीं है, और नहीं आया तो एक बार और यहां समझ सकते। देखना ए इज इक्वल टू क्या है, एक बार और समझ लेंगे तो क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। एक से इज बिलोंग्स टू एन और एक से इज क्या बोला है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू फाइव, ग्रेटर देन आर इक्वल टू फाइव, ये एक कंडीशन दी है। और बी इज इक्वल टू क्या दिया है, एक सच देट एक से इज बिलोंग्स टू एन एंड दूसरी सेकंड कंडीशन क्या दी है, एक से इज लेस देन आर इक्वल टू सिक्स, ये बोला है। तब ए इंटरसेक्शन बी होगा, तब ए इंटरसेक्शन बी, ये यहां लिख रहा हूं मैं, ए इंटरसेक्शन बी होगा। पहले तो इसको समझिए, एन का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर तो मतलब प्राकृत संख्या, क्या होती है, वन से लेके इनफाइनाइट तक, अनंत तक होती है, ठीक है। एक्स इज बिलोंग्स टू एन, क्या है, एक्स इज बिलोंग्स टू एन मतलब एक्स क्या हो गए, प्राकृत संख्या होगी, ठीक है। इसके बाद में बोला है कि एक्स की जो वैल्यू है वो क्या होगी, पांच से ज्यादा होगी या बराबर होगी, तो ए इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास में, फाइव सिक्स सेवन और डैश डैश कंटिन्यू, ऐसा बनेगा कि नहीं, पांच या पांच से ज्यादा, और नेचुरल नंबर बोला है तो ये नेचुरल नंबर है। बी इज इक्वल टू होगा छः या छः से कम, छः या छः से कम मतलब एक दो तीन चार पाँच और छः, छः या छः से कम, छः से ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये इंटरसेक्शन भी दोनों में उभयनिष्ठ अवयव देखिए, पाँच और छः दिखाई दे रहा, ठीक है, दोनों में पाँच और छः ऐसे अवयव है जो ए में भी है और बी में भी है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ए होगा। यदि a इज इक्वल टू, अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये क्या बोर्ड के हिसाब से सफिशियंट है, इसका जो लेवल है, ठीक है ना, जो अपना फाइनल जो एग्जाम होता है उसके हिसाब से सफिशियंट है। यहाँ पर हम IIT जी की और उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उसका लेवल और थोड़ा सा अधिक होता है, तो वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन ये बोर्ड के हिसाब से और बेसिक लेवल के हिसाब से लेवल सफिशियंट है, इस लेवल तक हम अगर करेंगे अपना काम हो जाएगा, ठीक है। इससे अगर हायर पढ़ना है तो फिर और इससे हाई लेवल के क्वेश्चन और हमें देखना होगा। हालांकि इसमें भी कुछ कुछ क्वेश्चन हमने अच्छे थोड़े से एक लेवल वाले भी लिए, उस पर भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। यदि ए इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव हो तब ए के उचित उप समुच्चयों की संख्या होगी, उचित उप समुच्चयों की संख्या, उचित उप समुच्चय का नाम आ गया भाई, देखना, एक तो होता है उप समुच्चय, उप समुच्चय, और एक होता है उचित उप समुच्चय, उचित उप समुच्चय। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, क्यों, क्योंकि उप समुच्चय और उचित उप समुच्चय में क्या अंतर है। मान लिया जाए कि हमारे पास में एक और दो, एक कोई समुच्चय है, तो इसके उप समुच्चय क्या क्या होंगे, देखना, एक तो फाइव होगा, एक वन होगा, और एक क्या होगा, टू होगा, और वन और टू भी होगा, ये क्या हो गए, ये क्या हो गए, उचित उप समुच्चय, उचित सॉरी ये क्या हो गए, उप समुच्चय हो गए, उप समुच्चय,
मतलब इसके क्या 2^n, ठीक है, और उचित अगर नाम आ गया तो ये पूरा का पूरा समुच्चय नहीं लेना है हमें, पूरा का पूरा समुच्चय नहीं लेना अगर उचित लग गया तो। ऐसा क्यों? क्योंकि उचित की परिभाषा ये बनती है कि जो भी आप इससे समुच्चय ले रहे इससे इसमें अवयव ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, इसके सारे अवयव को मिला के आप एक नया समुच्चय उपसमुच्चय नहीं बना सकते। तो 1-2 मतलब सारे अवयव हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पर 1-2 भी लिख देंगे, 1-2 लिख देंगे तो देखिए इसके सारे अवयव, इसके सारे के सारे अवयव यहाँ पर आ गए, ठीक है, तो ये उपसमुच्चय होगा लेकिन उचित उपसमुच्चय नहीं होगा। मतलब इसके अवयव के अतिरिक्त कोई ना कोई अवयव इसमें एक्स्ट्रा होना चाहिए, अतिरिक्त अवयव होना चाहिए, तब उचित उपसमुच्चय बोला जाएगा। तो याद रहे उपसमुच्चय की संख्या होती 2^n और उचित उपसमुच्चय की संख्या होती 2^n-1, ठीक है। तो कितने अवयव है यहां पर? 4 अवयव है, ठीक है, 5 अवयव है, 2^5 हो जाएगा। 2^5 मतलब कितना होता है? 32 होता है ना, कितने अवयव हो गए? 32। तो अगर उपसमुच्चय बोला जाता तो 32 होता, उचित उपसमुच्चय बोला जाए तो फिर एक कम होगा, क्या होगा, और कम कौन सा होता है? इसके सारे अवयव को जब लिख दिया जाता है वो कम हो जाता है, ठीक है, तो कितने होगा? 31। नेक्स्ट करेक्ट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय हो तो ए बराबर से बी है क्या? देखिए ए और बी दो क्या है? समुच्चय है हमारे पास में, अरिक्त समुच्चय, मतलब इसमें भी कुछ ना कुछ अवयव रहेंगे और इसमें भी कुछ ना कुछ अवयव रहेंगे, खाली नहीं रहेगा, ठीक है, अरिक्त मतलब खाली नहीं है, ठीक है। ये कब हो गए? ए और बी दोनों कब हो गए? कब हो गए भाई? अरिक्त समुच्चय हो तो ए बराबर से बी कब होगा? इसके लिए कंडीशन एक ये है कि इसके अवयव सारे इसमें होना चाहिए और बी के भी सारे अवयव इसमें होना चाहिए। कहने का मतलब हमारा ये है कि ये उपसमुच्चय होना चाहिए बी का, साथ ही साथ में बी भी उपसमुच्चय होना चाहिए ए का। ये दोनों कंडीशन क्या होना चाहिए? संतुष्ट होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि ये क्या है, दोनों बराबर है। बराबर तभी तो हो गया ना, इसके सारे अवयव इसमें है, इसके सारे अवयव इसमें है, तो एक जैसे ही तो अवयव हो गए, तो ये क्या होगा, ए और बी बराबर होगा। नेक्स्ट, ए और बी दो समुच्चय है तो ये इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर से क्या होगा, ठीक है। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है और इसको भी वेन डायग्राम से हम समझेंगे तो बिल्कुल सिंपल यहां पर बनने वाला है, ठीक है, देखना वेन डायग्राम द्वारा समझते हैं इसको। क्या बोला है? ए और बी दो समुच्चय है और कैसे है? ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ठीक है। पहली बात तो क्या, मैं यहां पर ए और बी बना देता हूं, देखिए ये ए बना दिया और ये क्या बना दिया, बी बना दिया, ए और बी, ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया, ये पूरा हुआ ना ए, और ए का मतलब क्या हुआ, ये केवल ए, ए इतना, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ये पूरा जो पहले हमने लाइन खींची थी उसका और ये जो बाद में मैंने लाइनें खींची उसका, तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो ए यूनियन बी मतलब ये इसको और इसको पूरा को मिला दिया और फिर उसके बाद में क्या बोला कि ये का मतलब क्या हो गया, ये हो गया, तो दोनों का उभयनिष्ठ भाग कौन सा होगा, कौन सा होगा जरा देखना, ऐसा भाग जहां पर दोनों लाइनें चली है, ऐसी वाली भी लाइनें चली है और ऐसी वाली भी लाइनें चली, तो ऐसा कौन सा भाग दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, दोनों का कॉमन भाग, उभयनिष्ठ भाग, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा करेक्ट आंसर, इसका ये होगा, बी नहीं होगा, सी 5 भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर ये है। नेक्स्ट, ए यूनियन बी बराबर से ए यदि और केवल यदि, कब होगा, ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन ये होगा, ऐसा होगा ये और इसके अंदर बी है। अब करो जरा, ए के भी सारे अवयव ले लो और बी के भी सारे अवयव ले लो और अवयव लेंगे तो ओवरऑल आपको ये पता चलेगा कि हमने जो अवयव लिए है वो बी के ही अवयव लिए है, ऐसा समझिए आप इसको। मान लिया जाए ए में 1, 2, 3, 4 है, काय में ए में, और बी में कौन है, 3 है। अब ए यूनियन बी करो तो 1, 2, 3, 4 आ जाएगा, तो वो तो ए के बराबर ही हुआ ना,
तो ऐसी सिचुएशन में ये होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि बी उप समुच्चय होगा ए का, मतलब बी के सारे अवयव काय में हो गए, ए में भी यहां पर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अरिक्त समुच्चय ए तथा बी को समान समुच्चय कहते हैं। क्या बोला है? दो अरिक्त समुच्चय, अरिक्त मतलब उसमें कुछ ना कुछ अवयव होना चाहिए, अरिक्त अरिक्त बोला है ना, उसमें कुछ ना कुछ अवयव होना चाहिए, ए तथा बी को समान समुच्चय कहते हैं। कब बोला जाता है? जब समान, अभी जस्ट हमने एक क्वेश्चन किया है ना, समान कब बोलते, तो कब बोला जाता है? एन ए नॉट इक्वल टू एन बी, नहीं गलत बात है, एन ए इज इक्वल टू एन बी, अवयव समान है दोनों में, संख्या समान है, तो दो अरिक्त समुच्चय ए और बी को समान समुच्चय कहते हैं। देखना, ए इज इक्वल टू 1 2 3 और बी इज इक्वल टू 3 4 और 5। पहला बोला है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, मतलब ए में अवयवों की संख्या और बी में अवयवों की संख्या बराबर नहीं है, तब बोलते क्या है? तो उसको तो बोला ही नहीं जा सकता, ठीक है। एन ए बराबर से एन बी, मतलब ए में अवयवों की संख्या और बी में अवयवों की संख्या समान है, तब बोलेंगे क्या? यहां पर तो इसमें भी 3 अवयव है, इसमें भी 3 है, तो दोनों समान हुए क्या? नहीं हुए। अवयवों की संख्या से भी हम इसको समान नहीं बोल सकते, जबकि दोनों बराबर है। हम समान तब बोलेंगे जब दोनों में अवयव एग्जैक्ट एक जैसे हो। इसका मतलब ए बी का उपसमुच्चय होना चाहिए और बी भी ए का उपसमुच्चय होना चाहिए, मतलब ए के सारे अवयव इसमें होना चाहिए और इसके भी सारे अवयव इसमें होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुच्चय ए बराबर से एक सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू आर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और 2x इज इक्वल टू 6 है बराबर से होगा, क्या होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और हालांकि क्या, देखिए क्वेश्चन में अगर टेक्निकली अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कि सर जो लैंग्वेज बोल रहे हैं आप, ठीक है, ये लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, क्या क्या बोल रहे हैं, उप समुच्चय किसको बोला जाता है और एक दो उदाहरण बताओ यहाँ पर, तो यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एमसीक्यू कर रहे हैं और हम ये एमसीक्यू कर रहे हैं तो ये मान के चल रहा है कि आप पूरा चैप्टर पढ़ के आए हो, ठीक है, तो आपको परिभाषाएं वगैरह सारी बातें मालूम है, क्योंकि हमने जो चैप्टर पढ़ा है वहाँ एकदम जीरो लेवल से एक एक बातें बताई है, वहाँ पर पूरी परिभाषाएं बताई है, पूरी प्रमेय बताई है, हर एक सूत्र को सिद्ध किया है, हर बात को वहाँ पर डिस्कशन किया है, ठीक है, और उससे रिलेटेड सारी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आंसर किए हमने, कोई भी तो क्वेश्चन नहीं छोड़ा, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन किए प्लस एडिशनल क्वेश्चन किए बैक टू बैक, हर एक्सरसाइज का तो हमने एडिशनल क्वेश्चन किया वहां पर। तो वहां पर इतनी बातें करने के बाद में सारी जो शब्दावली है, ये सारी शब्दावली तो आपको पढ़ के आए हो, प्रैक्टिस किए हो, उसके बाद एमसीक्यू करेंगे, ज्यादा मजा आएगा। और कई बच्चे अगर ऐसे देख रहे हैं कि नहीं हम तो एमसीक्यू करेंगे डायरेक्ट, हमें बेसिक से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर रटने वाली बात आ गई, भाई कहाँ से आएगी आपको उपसमुच्चय नहीं मालूम, समुच्चय नहीं मालूम, है ना, पावर सेट क्या होता है ये नहीं मालूम, तो ये सारी बातें अगर नहीं मालूम तो फिर काम नहीं होने वाला, ठीक है। तो समुच्चय ए इज इक्वल टू, क्या बोला है, एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू आर, आर मतलब वास्तविक संख्या, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, तो दुनिया की सारी संख्या है वास्तविक संख्या, बस कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर, ठीक है, और इसके अलावा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और इसके साथ साथ में बोला है कि टू एक्स इज इक्वल टू क्या है 6 और इज इक्वल टू होगा। देखना, पहली बात एक्स की वैल्यू क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए, चलो यहां तक तो बात ठीक है, वास्तविक संख्या दुनिया की हम अभी यही मान ले, कॉम्प्लेक्स नंबर हमें नहीं मालूम कि क्या कॉम्प्लेक्स नंबर होता, सम्मिश्र संख्या, तो अभी ये मान लें कि दुनिया की सारी संख्या है वास्तविक संख्या, ठीक है, साथ में ये भी होना चाहिए। तो यहां पर क्या हो रहा है, एक्स इजिकल टू, इसको अगर हल किया जाए तो एक्स इजिकल टू प्लस माइनस 4 हो रहा, ठीक है, और यहां पर अगर इसको हल किया जाए तो एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, 3 हो रहा, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, 3 हो गया। ए बी कंडीशन संतुष्ट करना चाहिए और ए बी स्थिति को संतुष्ट करना चाहिए, दोनों स्थितियां एक साथ संतुष्ट करना चाहिए, कब होगी भाई, यहां पर बोल रहा है कि एक्स इजिकल टू 3 आना चाहिए, यहां पर बोल रहा है कि एक्स इजिकल टू प्लस माइनस 4 आना चाहिए, कहीं पर मैचिंग है क्या, कहीं पर मैचिंग नहीं है, दोनों में उभयनिष्ठ है क्या, कोई नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, जब दोनों में उभयनिष्ठ नहीं है तो कोई भी इसका अवयव नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, 5 होगा, अवयव की संख्या
जीरो होगी, जीरो मतलब कोई भी अवयव नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ये होगा। नेक्स्ट, यदि दो समुच्चय ए तथा बी इस प्रकार है कि एन ए बराबर से 16, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 25, एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 और एन बी इज इक्वल टू क्या होगा। बस ये ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये वाला फार्मूला याद रखेंगे आप, एन सॉरी ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप इसको इधर लाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे तो एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी और माइनस एन ए यूनियन बी, ऐसा भी आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है, अभी यहां पर देखना एन ए का मान कितना है 16 मान किसका ज्ञात करना है, बी का मान ज्ञात करना है, एन बी का मान, एन ए का मान कितना है 16 और ए यूनियन बी का मान कितना है 25। इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना दिया है, ए इंटरसेक्शन बी का मान 5 दिया हुआ है, यहाँ ये 5 दिया है, 5 और ये कितना दिया, 25 दिया है। एन बी का मान निकाल लो, निकाल लेते हम, क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी 5, हाँ तो एन बी का मान निकालेंगे तो 25 इधर जाएगा, माइनस 25 इधर जाएगा तो क्या हो गया प्लस 25, तो कितना हो गया 30, और 30 में से अगर 16 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 14 बचेगा, तो एन बी बराबर से 14 यानी कि ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एन यू, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एन यू मतलब यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल का मतलब ये है कि जैसे ये बन गया, यहां पर ये है, ये और बी ही बोला है, बिल्कुल यही और बी ही बोला है, कुछ अवयव यहां पर है, कुछ अवयव यहां पर है, कुछ अवयव दोनों में उभयनिष्ठ है और कुछ अवयव इधर भी है, ऐसा है इसका मतलब, है ना। वेन डायग्राम की पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर रहना चाहिए तो क्वेश्चन बड़े आसानी से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इस टाइप की कुछ सिचुएशन है, मैंने एलिमेंट्स नहीं लिखे, अवयव यहां पर नहीं लिखे। ठीक है, अब क्या बोला है, एन यू बराबर से 700, टोटल अवयवों की संख्या कितनी है 700, टोटल 700। ठीक है, अच्छा अब इधर की बात करते हैं, इधर की बात करते हैं, मतलब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये बीच वाले अवयव, ए यूनियन बी मतलब ए बी और ए बी अवयव, एन ए का मतलब केवल ए में अवयव जो है, एन बी का मतलब केवल बी में जो अवयव है, ये इसकी मीनिंग है। क्लियर, अच्छा यहां पर बोला एन ए बराबर से 200, यहां पर कितना है 200 है, एन बी बराबर से 300, यहां पर 300 है, एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर से 100, ये कितने है 100 है। ठीक है, तो ए डेस तब एन ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस क्या होगा, पहली बात तो यहां पर ये इसमें बना रहा हूं मैं, ठीक है इसमें बना रहा हूं, देखना ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितने है 100, यहां पर बड़े आसानी से बना सकते हैं हम इसको, देखिए फार्मूले से बना सकते हैं ये, लेकिन थोड़ी सी उसमें ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, देखना दोनों का कॉमन कितने है, दोनों के कॉमन 100 है, ये यहां पर 100 आ गए, ए में कितने अवयव है, ए में 200 है, तो ये 100 हो गए और इसमें भी कितने है 100 है, अच्छा बी में कितने अवयव है, बी में कितने अवयव है, बी में 300 अवयव है, तो 100 ये हो गए और 200 ये हो गए, अब बाहर कितने है? इसके बाहर कितने है? ये कितने हो गए 200 और 200 400 400 और टोटल कितने है 700, तो इसका मतलब बाहर कितने है 300 हो गए। ठीक है, अब क्या बोला है ए इंटरसेक्स ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन कितने अवयव है। ठीक है, ये बोला है, आप चाहो तो ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, ए को के बाहर के, इसको छोड़कर बाहर के, बी का कॉम्प्लीमेंट इसको छोड़कर बाहर के, और इसका उभयनिष्ठ, तो इसका उभयनिष्ठ मतलब ये पूरा बाहर बाहर का हो गया। दूसरे तरीके समझिए, डी मार्गन्स लॉ होता है ये, इसका मतलब होता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यहां इंटरसेक्शन रहेगा दोनों में कॉम्प्लीमेंट लगा तो पूरे का कॉम्प्लीमेंट होगा, बीच में यूनियन आ जाएगा, बस इतना याद रखना, डी मार्गन्स लॉ बोला जाता है, डी मार्गन्स नियम इसको कहा जाता है। डी मार्गन जी थे गणितज्ञ, उन्होंने ये नियम दिया था और ये बड़ा
सक्सेसफुल रहा और इस नियम के तहत बहुत सारी प्रॉब्लम में भी सॉल्व हुई, ठीक है ना। और कैसी प्रॉब्लम में सॉल्व हुई, एक प्रॉब्लम तो हमारे सामने ही है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखना, इसको करो या आपको अगर अच्छा लगता है तो इसको करो, दोनों के रिजल्ट बराबर रहेगा, क्योंकि डी मार्गन जी ने बोला था कि ऐसा होता है और हमने देखा भी बहुत सारे क्वेश्चन में ये सत्य भी पाया गया है ना, और ये यूनिवर्सल सत्य भी है। अभी यहां पर देखना, ये यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, पहले तो ये यूनियन बी देखो क्या है, ये ए और बी सबका यूनियन इतना है, और फिर कॉम्प्लीमेंट लगाया तो जहां पर मैंने लाइन खींची उसको छोड़कर बाकी का बाहर का सारा, बाहर का सारा मतलब बाहर क्या दिखाई दे रहा है, 300 अवयव दिखाई दे रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, 300। देखिए टाइम जरूर लग रहा, लेकिन बातें यहां पर हम जो कर रहे हैं इन बातों के आधार पर भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें छुपे हुए होते हैं, ठीक है। मतलब यहां पर एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा कि हम इस क्वेश्चन को लेके डिस्कशन कर रहे हैं तो सर तो अंधाधुंध किधर भी बातें कर रहे हैं, क्वेश्चन रहा किधर और बता और कुछ रहे। हमारा उद्देश्य यह है कि क्वेश्चन एक है उसके सपोर्टिंग में बहुत सारी बातें यहां पर हम करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर होगा, ठीक है। ये पूरा एक बार वीडियो देखिएगा, इसके बाद में आपको और इसके जैसे क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं अलग अलग से, फिर इसके बाद में इसको और एक बार देखिए आप, फिर देखिएगा कितने क्वेश्चन हमारे सही हो रहे हैं, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अभी आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो उतने क्वेश्चन यहाँ पर करेक्ट आपके नहीं भी हो रहे होंगे, लेकिन सेकंड टाइम में काफी कुछ इंप्रूवमेंट यहाँ पर मिलने वाला है, तो प्रैक्टिस जरूर करिएगा एक बार इसकी। परिमित समुच्चय परिभाषित है, परिमित नाम से क्लियर है, परिमित मतलब निश्चित फिक्स, एक समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनंत हो। कहाँ से परिमित हुआ भाई, अनंत संख्या है, नाम ही मैच नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो मतलब ये गलत बात है। एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव न हो, ये विवाद गलत है, परिमित बोल रहे हैं, खाली बता रहे हो, ठीक है। मैंने बोला कि जैसे एक बाटल है, बाटल में कुछ पानी भरा है और फिर मैं बोल रहा हूँ कि ये बाटल पूरी खाली है, गलत बात है ना। एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या निश्चित होती है, हाँ बिल्कुल, ये हम अगर उसको गिन सकते हैं अवयव की संख्या को तो इसको परिमित बोलेंगे, और इनमें से कोई नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बराबर से 1 2 3, बी बराबर से 1 3 5 7 हो तब ए यूनियन बी बराबर से होगा, दोनों को मिला दो ना, ए को बी और बी को भी एक डब्बे में डाल दो, जितने भी अवयव रहेंगे, जितने भी अवयव नहीं रहेंगे, जो जो अवयव रहेंगे वो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा, तो क्या होगा 1 2 3 और 1 3 तो दूसरे में भी आया, तो उससे एक जैसे अवयव को दो बार नहीं बोला जाता ना, तो 1 2 3 पहले से ले लिया हमने और 1 और 3 दूसरे से छोड़ दिया, तो 5 7 1 2 3 5 7 करेक्ट आंसर यहां पर बी दिखाई दे रहा। नेक्स्ट, यदि ए बी सी तीन ऐसे समुच्चय हैं जिनमें ए इंटरसेक्शन बी बराबर से ए इंटरसेक्शन सी है, देखना ए इंटरसेक्शन बी बराबर से ए इंटरसेक्शन सी है, तो ए बराबर से सी होगा, बी बराबर से सी होगा, ए इंटरसेक्शन बी बराबर से 5 होगा और ए बराबर से बी होगा, गलत बात। देखना सही बात क्या है, ए और बी का उभयनिष्ठ जो है वही ए और सी का उभयनिष्ठ है, ये ऐसा समझिए ना, देखना ये है और ये क्या है, बी है, ठीक है। ये जो उभयनिष्ठ है ना ये वाला, इसको मिला के सी बना दो यार, तो ये इसको मिला के क्या बना दो, सी बना दो, या तो हम ऐसा बोल सकते जो ए और बी का उभयनिष्ठ है वो ए और सी का भी उभयनिष्ठ, ऐसा बनाओ ऐसा, देखिए ये सी भी बन गया, देखिए ए और बी का जो उभयनिष्ठ है ये वाला भाग वही ए और सी का भी उभयनिष्ठ है और दोनों क्या बराबर है, तो क्या होगा बी और सी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ऐसा हम यहां पर समझ सकते बिल्कुल सिंपल तरीके से। नेक्स्ट, यदि ए और बी दो समुच्चय है तब ए इंटरसेक्शन बी और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट होगा, क्या होगा यहां पर सोचना पड़ेगा, देखना सोचना पड़ेगा और उसको वेन डायग्राम से सोचो तो आपकी अप्रोच बढ़ेगी, बस इतना याद रखना, वेन डायग्राम से समझेंगे तो आपकी क्वेश्चन के प्रति अप्रोच बढ़ेगी, क्लियर। क्यों, क्योंकि वेन डायग्राम क्या आपको स्पष्ट दिखता है, हाँ ऐसी बात यहां पर हो रही है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, मैं चलो ये बना देता हूं, ऐसे इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया, ये वाला हो गया,
क्लियर, यही तो होता है। फिर उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लग गया, देखना ये इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया, ये वाला मैंने जो लाइन खींची है दोनों का कॉमन, और फिर इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लग गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसको छोड़कर बाकी का, इसको छोड़कर बाकी का, इसका मतलब ये वाला, इसको छोड़कर बाकी का, यानी इसका मतलब ये वाला हुआ, क्लियर। तो इसका मतलब क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इसको छोड़कर बाकी का पूरा, और बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट इसको छोड़कर बाकी का पूरा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, यूनियन, तो यूनियन क्या हो जाएगा, ये इसके इक्वल होगा, बात क्लियर है। वेन डायग्राम से हम तुरंत यहां पर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए और बी दो असंयुक्त समुच्चय है, ए और बी क्या है, दो असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त किसको बोला जाता है, ए और बी कोई भी अवयव इसके उभयनिष्ठ नहीं है, ठीक है। तो यहां पर मान लीजिए 1, 3, 5 है, तो यहां पर 2, 4, 6 है, दोनों इसके अवयव अलग है, इसके अवयव अलग है, कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है। जब उभयनिष्ठ होता तब तो मर्ज किया जाता ना इसको, 1, 3, 5, 7 और 9 ये संयुक्त है, 5 ऐसा है कि जो ए में भी है और बी में भी है, ऐसा बोला जाता है इसको। अगर असंयुक्त है तो एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी, गलत बात, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये तब होता है जब संयुक्त होता है, इस केस में दूसरा वाला आंसर, ठीक है। जब संयुक्त बोला जाए तब ये होगा, दूसरे नंबर वाला ऑप्शन, ये भी याद रखना आप, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी, ये वाला सही है। दोनों के अवयव को अगर जोड़ा जाए, अवयव की संख्या को अगर जोड़ा जाए तो ये यूनियन बी के अवयव की संख्या होगी, करेक्ट आंसर इसका सी होगा, ठीक है। और डी तो कोई भी किसी का भी फार्मूला नहीं बनता है, डी पूरा ही फार्मूला गलत है, तो और ए भी गलत ही है, बी और सी यहाँ पर सही है, लेकिन बी जो होता है संयुक्त के लिए होता है और सी जो है ऑप्शन असंयुक्त के लिए होता है, चूंकि हमें असंयुक्त बोला है इसलिए हमारा आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए और बी दो समुच्चय है तब ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर से क्या होगा, देखिए क्या बोला है, ए और बी दो समुच्चय है, तो ए है और ये क्या है, बी है, ए और बी, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये हुआ ना, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया मैंने, ए इंटरसेक्शन बी, फिर उसके बाद में ए को मिला दिया, इसके बाद ए को मिला दिया इसमें, तो ये क्या हुआ, ए के बराबर ही तो हुआ, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ये होगा। ऐसा इसी कॉन्सेप्ट पर हमने और एक क्वेश्चन किया था इसमें, ठीक है, थोड़ा सा घुमाया था उसमें और कुछ आंसर वहां पर आए थे। समुच्चय निर्माण रूप में शून्य समुच्चय को प्रदर्शित करता है, ऐसा कि जिसमें कोई भी शून्य समुच्चय को प्रदर्शित करता है, शून्य समुच्चय मतलब समुच्चय ही न बने, तो पहला तो रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित करता है, ठीक है, शून्य समुच्चय को प्रदर्शित नहीं करता, शून्य समुच्चय मतलब हम कुछ यहां पर बता ही नहीं सकते, फाई फाई और ए और सी दोनों ऑप्शन एक जैसे, डी डी में दिखाई दे रहा कि एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब आप एक्स का मान जो भी रखेंगे वो एक्सेप्टेबल रहेगा, मतलब स्वीकृत रहेगा, इसका मतलब डी भी नहीं होगा शून्य समुच्चय, ये होगा एक्स सच दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स, हम यहां पर बोल रहे हैं कि इसके अंदर कुछ अवयव है, कुछ अवयव है इसके अंदर, और कौन से अवयव है, जो कि कोई भी अवयव नहीं है, ठीक है। या दूसरी बात, मैं यहां पर बोल रहा हूं कि इसके अंदर मैंने कोई वस्तु डाली है जिसका वजन 5 ग्राम है, ठीक है, और फिर उसके बाद बोला कि जिसका वजन 5 ग्राम नहीं है, तो फिर वो 5 ग्राम वाली भी वस्तु यहां पर नहीं रहेगी, ऐसी ऐसा बोल सकते हैं कि एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, शून्य समूह को प्रदर्शित करने वाला बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए और बी दो समुच्चय है तब ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, क्वेश्चन रिपीट हो गया, और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा, ए मतलब यही होगा, ए तथा बी एक ही समष्टि के समुच्चय यू के समुच्चय है, तब ए माइनस बी होगा, और ए माइनस बी होगा, इससे पहले भी हमने और एक क्वेश्चन किया था इसके जैसा, तो ए माइनस बी बोलिए चाहे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बोलिए, दोनों का मतलब एक ही होता है,
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी दो समुच्चय है तथा एन ए बराबर से 70, एन बी बराबर से 60 और एन ए यूनियन बी बराबर से 110, तो ये इंटरसेक्शन बी बराबर से क्या होगा। एन ए यूनियन बी में से माइनस कर देंगे तो ए यूनियन बी तो क्या हो जाएगा, सॉरी ए यूनियन बी को माइनस करेंगे इनके दोनों के टोटल में से, तो 70 और 60 कितना हो गया 130, 130 में से 110 को माइनस करेंगे तो 20 हो जाएगा। जो हमने फार्मूला रखा था उसी में डायरेक्ट वैल्यू रख के इसका आंसर निकालना है, तो करेक्ट आंसर इसका डी होगा जो कि 20 होगा। नेक्स्ट, डी मॉर्गन्स नियम है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर से ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, एक गलत बात है। डी मॉर्गन्स लॉ वास्तव में होता क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एक तो ये होता है, दूसरा होता है ए कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होता है, ये दो होते हैं, ठीक है। यहां यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, पूरे का कंबाइंड कॉम्प्लीमेंट है तो अलग अलग कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यहां सेम ऐसा अपोजिट हो जाता है, यूनियन का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का यूनियन, और पूरे का कॉम्प्लीमेंट है तो अलग अलग कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, पूरा जिसको बोला जाता है। मैं बार बार कॉम्प्लीमेंट बोल रहा हूं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक। नेक्स्ट, इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या दिखाई दे रहा है यहां पर, पहला तो होगा नहीं, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी मैच नहीं हो रहा, और चौथा करेक्ट आंसर यहां पर दिखाई दे रहा। नेक्स्ट, यदि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी है, देखना ए और इसके अंदर मैंने बना दिया बी, ए का मतलब क्या हो गया, ये पूरा हो गया, ठीक है, और बी का मतलब क्या हो गया, ये वाला हो गया, और ये इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया, ये देखिए ये बीच वाला भाग ऐसा है, बीच वाला भाग ऐसा है कि जो दोनों में उभयनिष्ठ है, ठीक है, ए में भी है और बी में भी है, तो ये इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू यहां पर इस डायग्राम के हिसाब से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तब क्या होगा, ये उपसमुच्चय है बी का, नहीं है, बी उपसमुच्चय है ए का, हाँ ये बात सही है, इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका बी उपसमुच्चय है ए का। ये नॉट इक्वल टू फाइव, ये नॉट इक्वल टू फाइव, यहां पर कुछ कहा नहीं जा सकता, बी इज नॉट इक्वल टू फाइव, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, बी, बी सबसेट ऑफ ए। नेक्स्ट, यदि ए बराबर से इतना और बी बराबर से इतना है तब चार बिलोंग करता है ए को, बिल्कुल गलत बात है, यहां पर देखिए चार बी में है क्या, सॉरी ए में है क्या, नहीं है, समुच्चय चार सबसेट है ए का, नहीं है, ये भी नहीं है, उपसमुच्चय है क्या, नहीं है, बी उपसमुच्चय है ए का, ये भी बात गलत है, ए इंटरसेक्शन बी, हाँ ये बात सही है, ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों क्या है, अलग अलग है, ठीक है, दोनों असंयुक्त है जिसको बोला जाता है, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए के अवयव बी में नहीं है, बी के अवयव ए में नहीं है, असंयुक्त जिसको कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए होता है, क्या होता है, ए यूनियन बी यूनियन सॉरी ए यूनियन बी यूनियन ए माइनस बी, ए यूनियन बी, ऐसे समझ में नहीं आएगा ये, ठीक है, यहाँ पर माथापच्ची करने से मतलब नहीं है, डायरेक्ट वेन डायग्राम बनाओ और वेन डायग्राम से फटाफट आंसर निकलता और एग्जैक्ट आंसर निकलेगा, ठीक है, ए माइनस बी ये है और ये क्या है, बी है, ए में से बी को हटा दो तो क्या बचा आपके पास में, इतना बचा, ध्यान देना इधर, इतना बचेगा ना, ये वाला बीच वाला नहीं, इतना मिल गया, और बी माइनस ए, बी माइनस ए, बी में से ए को हटा दो तो आपको क्या मिलेगा, ये वाला भाग मिलेगा, ये वाला भाग मिलेगा, बीच वाला गायब है, तो अब दोनों का यूनियन मतलब ए भी आना चाहिए और ए भी आना चाहिए, लेकिन ये वाला भाग नहीं आना चाहिए, बीच वाला, अब जो ऑप्शन दिए उसमें कौन सा इसमें मैच हो रहा, देखना ए यूनियन बी यूनियन ए माइनस बी, तो हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ए यूनियन बी पहले बोल दिया और फिर और यूनियन लगा दिया तो हो ही नहीं सकता, ए यूनियन बी और फिर यूनियन लगा दिया इंटरसेक्शन, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि बीच में भी यूनियन लग गया, ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन, ठीक है, ये पूरा और ये पूरा और उसमें से ये इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दिया, देखिए इसको हमने माइनस कर दिया, देखना थर्ड ऑप्शन अगर देखा जाए तो ये यूनियन बी का मतलब क्या हो गया, ये पूरा हो गया, है ना, ये यहाँ तक ये वाला भी भाग हो गया, ये वाला भी भाग हो गया, ये यूनियन बी, और दूसरा क्या बोला, ये इंटरसेक्शन ये यूनियन बी और ये वाला भी यहाँ पर भाग हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या बोला है, उसमें से
ये इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देना है। देखिए ये इंटरसेक्शन बी इसमें से माइनस हो गया, तो पहले जैसा डायग्राम बन गया, ये वाला भाग और ये वाला भाग, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने 38 क्वेश्चन किए, 38, और लगभग कोशिश की कि हर टाइप के का क्वेश्चन यहाँ पर लाने की, और जितने भी हमने समुच्चय में जो टॉपिक पढ़े थे, परिभाषाएं पढ़ी थी, उन आधारों पर हमने एमसीक्यू में डिस्कशन भी किया। और आप प्रैक्टिस के लिए, अगर आपको एमसीक्यू अभी अगर समझ में नहीं आते हैं तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप पूरा चैप्टर एक बार फिर से, ये तो एक टेस्ट है ये बोल सकते हम भाई, हम यहाँ पर क्वेश्चन आते ही गए और आप, मैं यहाँ पर हालांकि डिस्कशन करते गए, हम इसका सोल्यूशन भी बनाते गए, हिंट भी देते गए, यहाँ पर समझाने की कोशिश भी की, लेकिन अगर फिर भी अगर क्वेश्चन नहीं बनता है, इसका मतलब आपको बेसिक पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। और बेसिक हमने पूरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं, एक एक बात बारीकी से वहां पर समझ चुके हैं। अगर आप बेसिक अच्छे से पढ़े तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा यहाँ पर नहीं है कि जो हमसे न बने। तो अपना ये चैप्टर यहाँ पर